हेलो एवरीबडी वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसफर प्रोसेस एट दिल्ली यूनिवर्सिटी बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई वांट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच यू आर आस्किंग इन द कमेंट बॉक्स सबसे ज्यादा तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि सी डब्ल्यू का क्या हुआ मीन्स उनको पहले मार्क्स आ गए सब कुछ हो गया उनके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफिकेशन के लिए मांग लिए और अब उसके बाद यूनिवर्सिटी बिल्कुल चुप हो गई तो दो स्टूडेंट्स आर रियली डेस्परेट वेट कर रहे हैं कि कब होगा क्या होगा तो उसके लिए जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा सेम इज़ द केस विद ई एंड स्पोर्ट्स मीन्स ई और स्पोर्ट्स में भी यही है कि पहले ट्रायल्स हो जाते थे तो ऑन द स्पॉट डिसीजन हो जाता था कि कौन बच्चा एलिजिबल है कौन नहीं है बट इस बार क्या है कि सिर्फ सर्टिफिकेट्स हैं तो सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करने में बहुत टाइम लग रहा है अब वो आपके मार्क्स भी बता दिए ई के स्पोर्ट्स से भी बता देंगे स्पोर्ट्स की जहाँ तक बात है वो थर्ड या फोर्थ दिसंबर को आपके मार्क्स बता देंगे फिर उसके बाद आपको तीन दिन का ग्रीवियंसिस फ़िल करने का टाइम मिलेगा अब यहाँ पर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम ग्रीवियंसिस क्या होती हैं तो ग्रीवियंसिस एक्चुअली क्या होती हैं कि कंप्लेंट्स होती हैं अगर आपको किसी चीज़ में कोई कंप्लेंट है मीन्स आपको सपोज यूनिवर्सिटी ने कुछ मार्क्स दे दिए बट आपको लगता है कि वो मार्क्स सही नहीं है और आप उससे ज़्यादा मार्क्स डिजर्व करते हैं तो आप अपनी ग्रीवियंसिस फाइल कर सकते हैं मतलब आप उनको एक मेल भेज सकते हैं कि आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं आपके मार्क्स को दोबारा से वेरीफाई किया जाए तो वो होती हैं ग्रीवियंसिस तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो ही आपको ग्रीवियंसिस सेंड करनी है अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स ठीक हैं तो आपको ग्रीवियंसेस सेंड नहीं करनी राइट right? तो अब ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी नाउ आई आई वॉन्ट टू टेल यू वॉट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर इन सबसिक्वेंट कट ऑफ्स अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन बच्चे ट्रांसफर करेंगे या कर सकते हैं तो सबसे पहले तो जो स्पोर्ट्स ई और सी डब्ल्यू वाले बच्चे हैं ऑब्वियसली उनके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे तो वो लोग अगर उन्होंने पहले एडमिशन ले रखा है किसी भी कॉलेज में किसी भी कोर्स में और अब ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन की फैसिलिटी मिलेगी तो वो डेफ़िनेटली उसको चेंज करेंगे तो वो ट्रांसफ़र करेंगे कोर्सेज़ में या कॉलेजेज़ में मीन्स अगर किसी का इवनिंग शिफ्ट है तो वो मॉर्निंग शिफ्ट में जाएगा इस तरह से ये सारा प्रोसेस उनके लिए है दूसरे वो बच्चे हैं जो सिक्स कट ऑफ़ में एलिजिबल अब हो गए हैं मीन्स पहले भी फिफ्थ कट ऑफ तक एलिजिबल थे उन्होंने एडमिशन भी ले लिया था और अब सिक्स कट ऑफ़ में उनको और बेटर कॉलेज मिल रहा है तो डेफिनेटली दे वुड ऑल्सो लाइक टू ट्रांसफ़र तो सिक्स कट ऑफ़ में ये है कि अगर आप पहले एडमिशन नहीं लिया आप एलिजिबल थे बट आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप नहीं ले सकते बट अगर आपने एडमिशन ले लिया था तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए तो अब हम देख लेते हैं कि अब ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना है कि अगर आप कोर्स या कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको विदड्रॉ करना है अपना एडमिशन पिछले कॉलेज या कोर्स में राइट right? तो वहां पर आपने अब आपने डैशबोर्ड पे लॉग इन करना है और वहां पर विद्रॉ के बटन पे क्लिक करना है तो उसके बाद क्या होगा कि आपके वन थाउजेंड रुपीज डिडक्ट होके जो बाकी का जो फीस है आपकी अमाउंट है वो आपके जो भी बैंक अकाउंट आपने दिया हुआ है या आपका वॉलेट है जो उसमें रिफंड हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपने इसी तरह से अब नए कॉलेज में एडमिशन लेना है तो अब वहां पर आप वापस से जो आपने पहले स्टेप्स फॉलो किए थे वन टू फोर वो सारे स्टेप्स रिपीट करेंगे और आपका जितना भी रिमेनिंग अमाउंट है वो सारा मीन्स वन थाउजेंड डिडक्ट होके वो एडजस्ट हो जाएगा उस नए कॉलेज की फीस में मीन्स अगर सपोज आपका आपने फाइव थाउजेंड या सिक्स थाउजेंड पे कर रखा है तो वन थाउजेंड डिडक्ट होके फाइव थाउजेंड आपका रह गया और नए कॉलेज की फीस अगर फाइव थाउजेंड से ज़्यादा है तो उसमें फाइव थाउजेंड एडजस्ट हो जाएगा वो ऐड हो जाएगा आपको बाकी का अमाउंट पे करना होगा अगर उससे कम है तो जो आपका बचा हुआ है वो आपको रिफंड हो जाएगा तो इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है और इसी तरह अगर आप एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं तो सिंपली आपने डैशबोर्ड पे जाकर कैंसिल पे क्लिक करना है उसमें भी यही होगा कि आपके वन थाउजेंड डिडक्ट होके जितना भी रिमेनिंग अमाउंट है आपका जो भी फीस आपने पे की है वो आपके वॉलेट में वापस आ जाएगा बट वो अभी नहीं आएगा उसके लिए भी मैंने एक कल ही वीडियो बनाई थी वो आप उसको देख लें रिफंड पॉलिसी का भी नोटिस आ चुका है डेली यूनिवर्सिटी में आप उसको देख लें तो उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि जब सारा एडमिशन प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा मीन्स सारी कट ऑफ्स का एडमिशन हो जाएगा उसके बाद ही आपका रिफंड का प्रोसीजर स्टार्ट होगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए सो थैंक यू एवरीबडी शेयर दिस वीडियो विद अदर्स एंड सब्सक्राइब टू किंगडम ऑफ लर्निंग एंड ये लाइक द वीडियो ऑल्सो